थैंक यू सर, थैंक यू। माननीय वी विजय साई रेड्डी, माननीय वी विजय साई रेड्डी नॉट प्रेजेंट। माननीय संजय सिंह प्लीज। धन्यवाद माननीय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात कहने का मौका दिया। माननीय, जब मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें इस भाषण में सरकार के द्वारा महामहिम जी के माध्यम से कहलवाई गई है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जमीन पे आप ठीक विपरीत काम करते हैं और जब महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण करवाते हैं तो आप श्रेष्ठ भारत, एक भारत, सबका साथ, सबका विकास और अमृत महोत्सव की चर्चा करते हैं। माननीय, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके सामने सरकार से पूछना चाहता हूं, आप देश के महापुरुषों को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, याद कीजिए, लेकिन आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अगर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में गांधी जी की भी चर्चा कर देते तो आपको शर्मिंदा होना पड़ता, आपका सर शर्म से झुक जाता। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को धर्म संसद बुलाकर उत्तराखंड में अपमानित किया जाता है माननीय, मध्य प्रदेश में अपमानित किया जाता है माननीय, छत्तीसगढ़ में अपमानित किया जाता है माननीय। मैं कहना चाहता हूं अगर यह सरकार गोडसे की विचारधारा पर चल रही है तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर गांधी के प्रति जरा भी सम्मान है तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको जेल के सीखचों के पीछे डालना चाहिए। यह राष्ट्रद्रोह है माननीय। बापू का अपमान हो रहा है, दुनिया के किसी देश में चले जाइए, आप कहते हैं हम भारत से आए, लोग कहते हैं गांधी जी के देश से आए। उस महात्मा गांधी का अपमान इस देश में हो रहा है माननीय, आजादी के 75वें साल में, और सरकार खामोश, प्रधानमंत्री जी खामोश, कोई उसकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से आती है वो विचारधारा गोडसे को महिमा मंडित करने की विचारधारा है, गांधी के विपरीत काम करने वाली विचारधारा है। दूसरी बात माननीय, सबका साथ सबका विकास का जिक्र किया गया। एक तरफ आप सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हैं, दूसरे तरफ आपके नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, आदित्यनाथ जी भाषण देते हैं, यूपी का चुनाव 80-20 पर होगा, 80-20 पर होगा। 80-20 क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, वो कोरोना की महामारी में जो लाखों लोग मारे गए वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? वो किसान जो एक साल तक सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो खुशी दुबे उत्तर प्रदेश की बेटी जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, वो हाथरस की बेटी जिसको रात में 2 बजे जला दिया गया, वो नौजवान जो लाठियों से पीटे जाते हैं माननीय, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? ये 80-20 में हिंदुस्तान को बांटना बंद करो, गरीब बच्चों के फीस पे चर्चा करो, तरक्की पर चर्चा करो। आप किस ओर हिंदुस्तान को लेके जाना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं? आपने श्रेष्ठ भारत कहा, 17वें पॉइंट को मैं पढ़ रहा था मैंने, श्रेष्ठ भारत, और इस श्रेष्ठ भारत के साथ आप क्या कर रहे हैं? माननीय गृह मंत्री जी बयान देते हैं मुजफ्फरनगर में जाके, दंगे याद है ना, चार मिनट बोल चुके हैं माननीय प्लीज, जिसके एक एक मेंबर है, जिसके एक एक मेंबर है, आज पर रूल्स जा रहा हूं प्लीज, आज पर रूल्स, दस दस आज पर रूल्स, ये नहीं मेरे साथ न्याय कीजिए सर, आज पर रूल्स, मैंने आपका नाम लेट से आया, मैं आपको अवसर दे रहा हूं, एक एक मेंबर है, अगर आप नहीं, अगर आप, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, मैं रूल्स के अनुसार आपको मौका दे रहा हूं, नहीं तो मैं दूसरे किसी को आमंत्रित करूंगा, 2 मिनट में करें, 2-3 मिनट में कंक्लूड, आपको ऑलरेडी 4 मिनट बोल चुके हैं प्लीज। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के गृह मंत्री, इस भाषण में श्रेष्ठ भारत की बात कही गई, वो भारत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन उस श्रेष्ठ भारत को आप दिन रात पाकिस्तान से डराते हैं। बिहार का चुनाव होता है, पाकिस्तान से डराते हैं, यूपी का चुनाव होता है,
पाकिस्तान से डराते हैं, पंजाब का चुनाव होता है पाकिस्तान से डराते हैं। अरे पाकिस्तान से डराना बंद करो, हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, हम किसी पाकिस्तान से नहीं डरते। अगर भाजपा के लोगों को डर लगता है तो चुनाव प्रचार में निकलना बंद कर दीजिए, लेकिन पाकिस्तान की चर्चा चुनाव में मत कीजिए। मान्यवर, मैं पूरा भाषण पढ़ रहा था, किसानों का जिक्र आया, गरीब कल्याण योजना का जिक्र आया, आपने उसका बजट न्यूनतम कर दिया, इसका मतलब मार्च तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा, चुनाव खत्म, गरीब राशन की योजना खत्म, यह है आपकी योजना। हम सारे लोग श्रेष्ठ भारत को मानते हैं, भारत माता की जय लगाते हैं, लेकिन भारत माता, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, भारत माता की जय तो तब होगी जब उस मां के 130 करोड़ बच्चे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, जब सब खुशहाल रहेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे, तब भारत माता की सही मायने में जय होगी, जब गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी मान्यवर, अच्छा इलाज मिलेगा मान्यवर, तब ये देश, जब किसान को उसके फसल का दाम मिलेगा, तब भारत माता की जय होगी। इसलिए जो भाषण में आपने लिखा, जो बात आपकी सरकार की ओर से कहलवाई गई और जो आपका कर्म है, उसके बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। थैंक यू, तेरी रहबरी पर सवाल है। थैंक यू माननीय विनय विश्रम जी, अंतिम एक मिनट सर, मैं खत्म कर रहा हूँ सर, एक मिनट नहीं, आप कंक्लूड करें, अंतिम एक मिनट में खत्म कर, नहीं एक मिनट नहीं दे सकते, सॉरी कर रहा हूँ सर, माननीय विनय विश्रम जी मैं खत्म कर रहा हूँ सर, खत्म कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, चुनाव मुद्दों पर लड़िए, देश का माहौल मत बिगाड़िए, देश को नफरत की आग में मत झोंकिए, देश को इस चुनाव को माननीय विनय विश्वम कराइए, माननीय विनय विश्वम इस प्लीज स्पीक ओनली, थैंक यू सर, थैंक यू। माननीय वी विजय साई रेड्डी, माननीय वी विजय साई रेड्डी नॉट प्रेजेंट। माननीय संजय सिंह प्लीज। धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, जब मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें इस भाषण में सरकार के द्वारा महामहिम जी के माध्यम से कहलवाई गई है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, जमीन पर आप ठीक विपरीत काम करते हैं, और जब महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण करवाते हैं तो आप श्रेष्ठ भारत, एक भारत, सबका साथ, सबका विकास और अमृत महोत्सव की चर्चा करते हैं। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके सामने सरकार से पूछना चाहता हूं, आप देश के महापुरुषों को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, याद कीजिए, लेकिन आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अगर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में गांधी जी